हेलो फ्रेंड, ये प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के और एक शब्द के ऊपर आधारित ये वीडियो है जो कि हम आज के डेट में भारत में डिबेट सुन रहे होंगे सेकुलरिज्म के ऊपर। ये सेकुलर शब्द, ये भी शब्द हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 को इस सेकुलर शब्द जोड़ा गया। तो जोड़ा गया सेकुलरिज्म का ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, मतलब कि किसी भी धर्म को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, और जो बोलते हैं कि हम कोई भी धर्म बेसिस में हम अपना रूल एंड लॉ नहीं बनाएंगे, हम संविधान के बेसिस पे बनाएंगे। क्योंकि संविधान का जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जैसे कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि संविधान के एक आइडेंटिटी कार्ड भी माना जाता है, और यह एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। तो सेकुलर जो वर्ड है इसे हम बदल नहीं सकते, जो कि 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जानते हैं। तो सेकुलर के ऊपर आज के डेट में बहुत डिबेट होता रहता है। सेकुलरिज्म है क्या? 1974 में सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सेकुलरिज्म शब्द है भारत के संविधान में डिस्क्राइब नहीं किया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कि जो बोलते हैं कि हमारा पूरा दिया नहीं गया है, जो कि मेन जो भारत के मूल संविधान है उसमें जो बोलते हैं सेकुलरिज्म नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये कि जो बोलते हैं 1976 में जो कि 42nd अमेंडमेंट के तहत जुड़ा गया, तो ये सेकुलरिज्म शब्द की जरूरत क्यों पड़ा? वैसे भी तो हम फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 का हवाला करते ही रहते हैं, और जो सेकुलरिज्म शब्द है वो धर्म की रिलीजियस के ऊपर है। तो सेकुलरिज्म ये है जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो कि फंडामेंटल राइट्स है, गारंटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो कि रिलीजियस को जो बोलते हैं कि फ्रीडम देता है, अगर कुछ भी होता है तो हम जाके जो बोलते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स हनन होता है, तो हम रीट के थ्रू हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जाके हम ये कर सकते हैं, तो ये देता है। तो हमें सेकुलरिज्म शब्द का जरूरत क्यों पड़ा? तो 1976 में सेकुलरिज्म का इसीलिए था कि जो बोलते धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हम बनेंगे, जैसे कि जो बोलते हैं कि बाद में ये ना हो कि जो बोलते हैं हम सिंगल ओरिएंटेड कंट्री बन जाएं, कि जो बोलते हैं हिंदू पक्ष में, मुस्लिम कंट्री में, क्रिश्चियन, पारसी, इसके तहत जो बोलते हैं हम कंट्री ना बन जाए। इसीलिए 1976 को जो हमारा था 42nd अमेंडमेंट में ये भी जोड़ा गया सेकुलरिज्म शब्द को। थैंक यू।